अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद अपने नए प्रोग्राम के साथ। तहरीके अदम एतमाद से पैदा होने वाले आईनी बहरान को आज सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हुए। तीसरा दिन गुजर चुका है लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो है वो नहीं हो पा रहा, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के तमाम कानूनदान यक जबान होकर ये समझ रहे हैं कि ये मुकदमा जो है सिर्फ 2+2 का है, लेकिन इसके बावजूद इस मुकदमे को इस अंदाज में लटकाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसका फायदा इमरान खान जो है वो उठा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की तरफ से आगे निगरान हुकूमत के क्याम और बाकी जो इलेक्शन के मामलात हैं उसके लिए बुनियाद जो है वो रखी जा रही है। ये सूरत हाल क्यों है और पाकिस्तान का हर तबका जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को क्यों तनकीद का निशाना बना रहा है या सुप्रीम कोर्ट की साख के ऊपर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सारी सूरत हाल का जायजा लेते हैं। लेकिन मुख्तसर सा जायजा लेने से पहले, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रही है, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले की या सुप्रीम कोर्ट में जेर समात होने वाले इस मुकदमे की या इस साख की या इस हुक्म की कोई वक्त नहीं रह गई है, इसका हम जायजा लेंगे। सबसे पहले अगर हम सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 5 रुकनी बेंच का जायजा लें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब इस बेंच के सरबराह हैं। आगे चलने से पहले एक बात बहुत ही अहम, ये पाकिस्तान के अवाम को और सुप्रीम कोर्ट में जो फ्री कैन है हुकूमत के अलावा तहरीक इंसाफ के अलावा, उनको ये बात सोच लेनी चाहिए थी जब इस 5 रुकनी बेंच ने जो फुल कोर्ट है वो बनाने की इस्तदा पीपल्स पार्टी की मुस्तरद की थी, तो तभी इस पाकिस्तान की सियासी जमातों को बाहर आ जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये बड़ा वाजह तौर के ऊपर एक मैसेज था कि इस मुकदमे का जो फैसला है वो क्या होगा या किस तरीके से इस मुकदमे को डील किया जाएगा। बहरहाल वापस अपने नुक्ते की तरफ चलते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के वालिद का नाम जो है वो फतेह खान बंदयाल था, और वो जनरल जियाउल हक जिन्होंने पाकिस्तान में ना सिर्फ 32 मार्शाला लगाया बल्कि पाकिस्तान की इस कौम को, इस नौजवान नस्ल को नशे और जो असले था उसके कल्चर से भी मुतारफ करवाया, और आज के दिन तक पाकिस्तान वो धचके बर्दाश्त कर रहा है जो तारीख के 32 आमर ने पाकिस्तान को दिए थे। तो जनरल जियाउल हक के सेक्रेटरी, शायद फॉरेन सेक्रेटरी थे अपने बंदयाल साहब, उनके साहबजादे मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब इस बेंच के सरबराह हैं। उसके बाद मिस्टर जस्टिस इजाजुल अहसन साहब जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं, और मिस्टर जस्टिस इजाजुल अहसन साहब को जब पनामा का मशकूक फैसला दिया गया मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के खिलाफ, जो आज के दिन तक जो है वो मुतनाजा है, और आज के दिन तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब से बार बार ये सवाल पूछ रही है कि मरियम नवाज के खिलाफ सबूत दे जिसके तहत मरियम नवाज को सुनाई सजा जो है वो सुनाई गई है। अब नैब बेचारी क्या सबूत दे जब ये फैसला ही जो है वो एहतसाब अदालत से बाहर निकलने वाले जज साहबान के कमरों से बाहर निकलने वाले मुबैना तौर के ऊपर कर्नलों के कहने के ऊपर दिया गया, और फिर उस सारे पनामा केस की निगरानी जो की थी वो मिस्टर जस्टिस इजाजुल अहसन साहब ने की थी, बावजूद इसके कि उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी, लेकिन बस ये सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जज साहबान हैं और ये इंतहाई काबिल एहतराम जज साहबान हैं, और उनका ख्याल था कि निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है तो उन्होंने की। उसके बाद इस के जो इस बेंच के सरबराह, इस बेंच के एक हिस्सा है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बड़े काबिल एहतराम हैं और वो आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट में तैनात किए गए थे। आउट ऑफ टर्न तैनातियों के हवाले से हामिद खान साहब का एक बयान सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है, और उसको बहुत ही ज़्यादा एहतराम की नज़र से देखा जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की अदलिया ने जब भी आइन दुश्मन कुव्वतों की मदद की है तो उस मदद में सबसे ज्यादा करदार आउट ऑफ टर्न तैनात होने वाले जजेस का रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख है। और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है, इनको साकिब निसार साहब के दौर में 4th नंबर से उठाकर सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया था,
और फिर आप जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के तब से लेके आज के दिन तक के सियासी या अहम या हसास मुकदमात का अगर आप जायजा ले लें तो उस मुकदमात में जस्टिस मुनीब अख्तर की ऑब्जर्वेशंस और रूलिंग्स अवाम को ये तासुर देने के लिए काफ़ी हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो किस मिजाज के जज हैं और उनके फैसले जो है वो किस नौयत के हो सकते हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद अली मजहर साहब इस बेंच का हिस्सा हैं, वो भी आउट ऑफ टर्न सुप्रीम कोर्ट से आए हैं और उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम ने तनकीद की थी, वकला ने बायकॉट किया था, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है वो तैनात कर दिया गया था। इससे पीछे अगर हम चले तो पाकिस्तान में जो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है उसका हवाला ले लें, ज़ियाउलहक का मार्शाला ले लें, जनरल जहिया का मार्शाला ले लें, मुशर्रफ का आप मार्शाला ले लें, ये सारे मार्शाला जो है ये पाकिस्तान को आज इस चौराहे में इस दुराहे में खड़े करने के लिए काफ़ी हैं कि पाकिस्तान की अदलिया ने हर मरतबा आइन दुश्मन कुव्वतों का साथ दिया, आगे बढ़कर उनके हाथ के ऊपर बैत की। बावजूद इसके के 2007 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने यह तस्लीम किया कि उन्हें इस बात के ऊपर अफसोस है, शर्मिंदगी है, रिपेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के माजी के अंदर जो नजरिया जरूरत के ऊपर फैसले दिए गए हैं वो नहीं देने चाहिए थे, इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो शर्मिंदगी का मुजाहरा करती है। लेकिन 2007 के बाद से देखें आज के दिन तक फिर भी नजरिया जरूरत के तहत फैसले दिए जाने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान भर के सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान भर के अवाम में एक बात बड़ी अमूमी तौर के ऊपर डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन में दर्ज 2+2 के फैसले की तशरीह नहीं उनसे हो पा रही, जिसकी वजह से अवाम जो है वो इंतहाई मायूसी का शिकार नजर आ रही है। और अगर पाकिस्तान के अवाम को सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के ऊपर, चंद जज साहबान के ऊपर कोई उम्मीद होती या उनकी साख कोई बरकरार होती तो सुप्रीम कोर्ट के चंद दिन कबल, 2 दिन कबल रिटायर होने वाले जस्टिस मकबूल बाकर साहब ये बात ना कहते कि हसास मामलात के अंदर इंडिपेंडेंट माइंड जजेस को शामिल ना करना अवाम के अंदर अदलिया की साख को मुतासर करता है। मैं वर्किंग क्लास से या जनरल पब्लिक से इंटरेक्शन होने की बुनियाद के ऊपर ये समझता हूँ कि साख मुतासर करती नहीं है, बल्कि साख मुतासर हो चुकी है। इस मुल्क के अवाम को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद जो है वो ना होने के बराबर है। लोग बड़े खुले दुले अल्फाज के अंदर और बड़े नंगे अल्फाज के अंदर अपनी राय का इजहार करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और ओवरऑल पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर। अगर हम मौजूदा इस फैसले का जायजा लें तो बहुत सारा इबहाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है और नुक्ता सिर्फ एक बुनियादी सा है। अगर ये बुनियादी सा नुक्ता जो है ये भी अगर सुप्रीम कोर्ट से तय नहीं हो पा रहा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का अल्लाह ही हाफज है। ये जो पाकिस्तान का आइन इस वक्त लावारस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये जो पाकिस्तान का आइन यतीम हुआ पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसकी यतीमी मेरी नज़र में, मेरे शक के मुताबिक, मेरे तज्जिए ज़ाती राय के मुताबिक जो है ये बरकरार रहेगी। क्योंकि जब वो जज साहबान जिन्होंने आइन का तहफ़ करना है, जब वो आइन तोड़ने वालों का तहफ़ करने लग पड़ेंगे तो फिर आइन ऐसे ही यतीम और लावारस नज़र आएगा जैसे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर नज़र आ रहा है। जब पाकिस्तान के निज़ाम अदल के अंदर आइन तोड़ने वाले आइन के गद्दारों को तहफ़ फराहम किया जाएगा और उन तहफ़ फराहम करने वाले जजेस को नवाजने के लिए, उनकी प्रमोशन करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया जाएगा तो फिर पाकिस्तान के आइन के साथ यही जो टीमों वाला सलूक होगा जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है। जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के ऊपर 3-3, 4-4 प्लॉट लेने के इल्जाम लग रहे होंगे और वो डिफेंसिव होंगे और कोई उसकी वजह सामने ना आ पा रही होगी तो फिर पाकिस्तान के आइन की सूरत हाल यही होगी जो इस वक्त यतीमों और लावारसों वाली पाकिस्तान के आइन की सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है। बड़ा बुनियादी सा नुकता है कि क्या डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार हासिल था आइन के आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग देने का या नहीं रूलिंग देने का, ये बुनियादी सा सवाल है। आइन में दर्ज है कि उसको ये इख्तियार हासिल नहीं है, रूल्स के अंदर ये दर्ज है कि आइन के आर्टिकल 95 के तहत
क्या प्रोसीजर जो है वो वोटिंग का अडॉप्ट करना है या नहीं अडॉप्ट करना। लेकिन इसके बावजूद हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है आज 3 दिन हो चुके हैं इस अमल को रोक नहीं पा रही और इस चीज को डिसाइड जो है वो नहीं कर पा रही। और बड़ा बुनियादी सा बात है और ये बात हमने इसी अदालत के जज साहबान की किताबों में पढ़ी है कि आज खुद नोटिस जो है वो उस वक्त लिया जाता है जब कोई बहुत बड़ा बुनियादी आईनी हकूक जो है वो मुतासर हो रहे हो या आईन की बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जी हो रही हो। अगर आपने आज खुद नोटिस लिया है तो फिर उसको आगे चल के डिसाइड जो है वो भी बिल्कुल उसी हिम्मत और दीदा दिलेरी से करना पड़ेगा, वरना जस्टिस मुकबूल बाकर साहब को अपना ये ऑब्जर्वेशन जो है वो अमेंड करनी पड़ेगी थोड़ी सी कि पाकिस्तान के अंदर जब जैसे इंडिपेंडेंट माइंड जजेस को हसास मुकदमात के अहम मुकदमात के बेंचेस में से शामिल नहीं किया जाता, निकाला जाता है, तो उससे अदलिया की साख मुतासर होती है। मैं ये समझता हूँ ये साख मुतासर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या वो अवाम के अंदर अपनी गिरती हुई साख को बरकरार रखती है या उसको बहाल करने के लिए कोई आईन और कानून के मुताबिक फैसला देती है।